अस्सलाम वालेकुम फैसल सरदारी साहब, कैसे हैं आप? मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। आई आल्सो बिलोंग टू द यूथ जनरेशन ऑफ दिस नेशन। पूरी दुनिया में पहले वाहिद ब्लाइंड स्टैटिस्टिशियन है सुहेल भाई। भगवान का ये माफ चला है मेरा, ये 1000 रुपए नहीं ये दी है सुहेल भाई ने मुझे दिया। क्या फाल चल गए। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्या इंडल्जिंग ये लग रहा है। ओए होए होए होए, ये देखो जरा, वाह 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 वाह, लाइबा ये कितने मजे का लग रहा है। आओ मैं सबसे टेस्ट कराती हूँ कि ये कैसा है। दो लाइबा सब टेस्ट करके बताएंगे बेटा, सब टेस्ट करके बताएंगे, रेटिंग देंगे इसकी कैसी है। लाइबा इसकी रेटिंग देंगे, दो ना दे दो। काला था और तुम ले गए। चलो अगर मेरे बैग में निकला, बैग में याद किया होता तो बैग में होगा या ऊपर तुम छोड़ के। देखिए गाइस, देखिए सिनेमैटिक। तुमने निकाला था मेरा माउस। मैने कब माउस निकाला तुम्हारा? मैंने तुमसे चार्जर लिया था बस। तुमने माउस भी लिया था, मेरा माउस दो। कहाँ से दूँ, मेरे पास है नहीं माउस। अगर वही पड़ा हुआ माउस तो नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। अगर वही मिला माउस तो तुम मार खाओगे। चलो मैं क्यों मार खाऊंगा, वीडियो रखा है इसीलिए तो वीडियोस लेट होती है। ये कौन गुजरा है? ब्लैक मैन, ब्लैक मैन, ब्लैक ब्लैक बैटमैन, बैटमैन इन ओल्ड एज, बूढ़े बैटमैन। मानूर भी काम कर रही हैं, तो आज जो है सब लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सबको सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। बॉस ने सबको डांटा है कि भाई तफरी कम काम ज़्यादा, तो ऑफिस में काम भी होता है, आपको बता रहे हैं ये ना। तो चलिए ऊपर चल कर देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ऊपर मैं आ गई हूँ और दाढ़ी में कंघा चल रहा है और ये अंदर से कौन निकला है? इनाम भाई बहुत गौर से क्या देख रहे हैं। इनाम भाई हॉरर मूवी है भाई ये, इसने बोल दिया कि मेरे डेस्क पे माउस नहीं है, अब मैं माउस इसको ढूंढ के दिखाऊंगा। रुक बेटा, तू तो नहीं, मैं इसको अभी माउस ढूंढ नहीं वाला इजान, फिर तुम देखना मॉल मार खाओगे तुम बेटा। मैं भी ढूंढ के दिखाता हूँ इसको मॉल, हमारा माउस मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं तुम नहीं, तुम लोग नहीं आओगे? रुको जरा, अगर मैंने तुम्हारा माउस ढूंढ के दे दिया, तुमने कहीं छुपाया हुआ है? मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं पागल हूं? तू छुपा के तुम्हारे पास ही आऊंगी कि ढूंढ लो। तुमने निकाला था माउस, माउस 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 माउस। ये देखिए कैसे कैसे जो है ना, थोड़ा फोन ऊपर रखो, अगर हम ऐसे इतना लंबे लगते हैं। फोन ऊपर है और ऊपर करो, तुम एक काम करो सामने और अपना कह रहा है, ये लो और ऊपर चाहिए। ओहो ओहो, देखो बाल तो ऐसे बन रहे हैं जैसे पता नहीं रिश्ता है। हाँ इसी ऑफिस से रिश्ता, इनकी डोलियाँ उठेंगी इसी ऑफिस से। मेरा माउस नहीं मिल रहा अभी तक, इसका माउस नहीं मिल के दे रहा है। आओ इसका बैग देख, बैग दिखाओ, माउस ढूंढने बैग दिखाओ। देखो ये चोर है, तभी ये नहीं दिखा रहा हूँ, तभी से बहुत सारी चीजें इसके पास ब्रश है। कैसे लड़के हैं मेटाफॉर्स में ब्रश लेके घूमते हैं। यू ये खोलो, मैं लड़कियों के मेरे बालों में मेरे पास ब्रश नहीं और लो करें सेम टू फिन मेरे पास पिंक कलर में। सब कॉपी कर लो, सच में है मेरे पास रखा हुआ, यहीं पे रखा हुआ। जल्दी खोलो यार, परफ्यूम रखा हुआ है और ये इस मेरी वॉचेस के वो है, वॉचेस बैंड्स है, वॉच सारी चीजें मिलेंगी आपको। गिर गया और ये डायरी जो मैं यूनिवर्सिटी के टाइम भी यूज किया करता था। ये इंसान बैग ही नहीं रहा है, और ये किसका बैग है? अमान भाई चोर, आपने माउस क्यों चुराया? आपके पास माउस थी ना जो आपने दूसरों को चुरा लिया? अमान भाई ऐसे दिन आ गए क्या यार? और भी देखो, कुछ ना कुछ पक्का निकल आएगा। ये ऐसी फजूल में घूमते रहते हैं कि अमान भाई ने मेरा माउस ले लिया था। इनका माउस यानी इनका चूहा, चूहा ले लिया था तुम्हारा, इनका चूहा अमान भाई ने चुरा लिया था। हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लो। हेलो
अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से आज की बात करने। तो आज की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको गौर सुनिएगा। वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में है। तो पहले हम फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ ये है कि आपको किसी के लिए भी एक्स वाई जी कोई भी हो, कोई काम, कोई चीज़, उस चीज़ों के लिए अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अपनी मेंटल हेल्थ को आप सबसे ऊपर रखें। सेकेंड, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, अगर आपको कोई चीज़, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप डिले कर रहे हैं, सबसे पहले वो जाके चेक करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। तो क्योंकि ये होता है कि बाद में जब वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको समझ नहीं आता और वो आपके लिए बहुत मुश्किल आखिर में बन जाती है, अजाब यू कैन से। तो मेरा मशवरा ये है कि इलाज से बेहतर एहतियात है जो कि आपको करनी चाहिए। तो आज की बात यही थी। अच्छा जी, यहाँ पर सुहेल भाई आए हुए हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं और सभी जानते होंगे सुहेल भाई को। हमारे पास इनका शूट होने वाला है। सुहेल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। सुहेल भाई, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप फोन के साथ क्या कर रहे हैं? मैं हमारी ऑडियंस को खेल रहा हूँ और खेल इसलिए रहा हूँ कि मैं फोन के साथ खेलते हुए जो हमारा कंटेंट है उसके हवाले से अपनी रिसर्च वर्क को कंक्लूड कर रहा हूँ। जो मैंने रिसर्च तो की हुई है, बट कहते हैं ना कि वो जो लास्ट मोमेंट्स की रिफ्रेश कर रहे होते, तो मैं अपनी रिसर्च वर्क को कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, दैट्स राइट, दैट्स नाइस। और ये कंटेंट आने वाला है मेटा स्पोर्ट्स पर, राइट? एब्सोल्युटली। और मेटा स्पोर्ट्स की हम करेंगे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज बता दूंगा आपको, आप जो है अभी आप सवाल कर रही थी तो आपको पता नहीं है कौन। सुहेल भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और सुहेल भाई बताएंगे। मैं अपनी तारीफ क्या कराऊं, मैं तो कर लें आजकल लोग सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल लोग सब कर रहे हैं, आप भी कर लें। आई एम द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु इज विजुअली इंपेयर्ड बट डूइंग वर्क ऑन क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स, दैट्स आई एम। पूरी दुनिया में पहले वाहिद ब्लाइंड स्टैटिस्टिशियन है सुहेल भाई, जिनको स्टैट्स के बारे में हर तरीके की स्टैट्स के बारे में नॉलेज है क्रिकेट की। और अगर आप पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, इतना भी पूछेंगे कि कोई क्रिकेटर कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, तो उनको वो भी मालूम है। वाह सुहेल भाई, मुझे आपकी वैसे स्टैटिक्स पे पूरा भरोसा है। महेंद्र धोनी कहाँ पैदा हुआ? महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में पैदा हुए जुलाई 1981 में। देखा, ऐसे मजे के कंटेंट के लिए हम आपको कह रहे हैं मेटा स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे जाकर। लाइट यार, ऑफिस में इतना फैलावा क्यों है? ये हैंगर शैंगर क्यों रखे हुए हैं? अच्छा, वो जो नीचे आ गए गंद मचाने, गंद मचाते हैं अपना काम। ये देखो, ये देखो कहां पड़े हैं। अबे टायर्ड यार बंदा, यूं टाइम देखे। और अगर बंदा ये पांच खरीद ले और पांचों उंगलियों में पहन ले, और सबके सिस्टम खराब पड़े हुए हैं। और अभी मैं उसामा से पूछूंगी भी कि क्या हाल हुआ है सिस्टम का, कोई काम तो नहीं कर पा रहा है। और ऑफिस में आज सब लोग बड़े बिजी हैं और काम कर रहे हैं क्योंकि ना सबको बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। अच्छा जी, ये जो हमारे गेस्ट हैं इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ, अपना यूथ के साथ। तो आप लोग जब इन्हें देखेंगे, मैं इनसे कुछ सवाल करूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनसे और क्या सवाल होने चाहिए। और जो है आप लोग इनका पार्ट बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि हम इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम फैसल सरदारी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा जी, तो फैसल साहब आप काफ़ी प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी हैं पॉलिटिक्स के अंदर और सेनेटर भी हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू द यूथ जनरेशन ऑफ दिस नेशन और आप जो है सबसे ज़्यादा यूथ का ही, मतलब आई थिंक यूथ के लिए ही आप जो है काम कर रहे होते हैं और उनकी ही भलाई के लिए और उनकी लिबरेशन के लिए। सो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो पॉलिटिक्स यूथ को ज्वाइन करनी चाहिए? बिकॉज बहुत सारे ना पॉलिटिक्स से लेकर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये खुराफात भी होते हैं कि यार अच्छी चीज़ नहीं, हर इंडस्ट्री को से लेकर होते हैं वो तो, बट आप पॉलिटिक्स में भी हैं और आप मीडिया विंग भी संभाल चुके हैं, उसके भी लीडर रह चुके हैं, तो आप पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब से को लेकर आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर कम पढ़े लिखे और बुरे लोग आएंगे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, दे शुड बी वेलकम। लेकिन किसी को ये सब
प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि एक आम नौजवान आ जाता है पॉलिटिक्स में, उसको जिस हिसाब से तरक्की मिलनी चाहिए कि अगर उसमें टैलेंट है और अगर वो नेक नीयत है और पढ़ा लिखा बासलाहियत है तो भी वो एलिवेट नहीं कर पाता, उसकी रफ्तार इतनी नहीं होती जितनी एक खानदानी सियासतदान के बच्चों की होती है। तो उसके लिए बात को जो दो चीज़ें इस मुल्क में अहम हैं, एक ये थी कि जनाब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो उससे जो काउंसलर इलेक्ट होके आ जाते हैं उनको फिर मौका मिलता है कि वो आगे जाके जब 27-28 साल के हों MPA का इलेक्शन लड़ पाएँ और आगे चले जाएँ। तो लोकल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ ब्रेक रहे, इनफ्रीक्वेंट रहा है सिस्टम। और दूसरा है स्टूडेंट यूनियंस का, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो आज भी हो रही है लेकिन एक ज़माने में जब स्टूडेंट यूनियंस होती थी तो वो इलेक्ट होते थे बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटीज से अपने कॉलेजेस से और उससे अच्छा टैलेंट आता था, वो अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा अभी। तो ये है किसी भी लीडर का मतवाले हो के नौजवान निकल तो आते हैं लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए पॉलिटिक्स में वो नहीं हो पाती। तो उसकी ट्रेनिंग के मुझे लगता है मीडियम ये दो ही हैं, लोकल गवर्नमेंट का और स्टूडेंट यूनियन का। अच्छा, और अभी जो है एक और मेरा सवाल था, आप सिंस आप मीडिया और मास कम्युनिकेशन के भी विंग के लीडर रह चुके हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आजकल जो मूवमेंट चल रही है सोशल मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और सबसे ज़्यादा यूथ ही चला रहे हैं और लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो कंटेंट के हवाले से भी, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब चलना चाहिए, यूथ को फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉलो करनी चाहिए या फिर एज इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट का भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे इस पर? फ्रीडम तो कहते हैं ना वो उतना ही फ्रीडम है, आपका फ्रीडम उस वक्त तक है जब तक आप मेरी नाक को टच नहीं कर रहे जितने भी आप हवा में हाथ फैला रहे। हमारे यहाँ अगर आप बेवकूफी बदतमीजी को भी फ्रीडम के नाम ले लें, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने जहन का अपने दिल की बात कर दें लेकिन सामने वाले की दिल आजारी और उससे मादर पिदर कस्म की गुफ्तगू करना गालम गुफ्तार के ख्याल में एक तो ये नहीं है। उससे चीज सोशल मीडिया डबल एज है ना, यानी एक मोबाइल इनाम याफ्ता साइंसदान भी 280 कैरेक्टर लिख रहा है ट्विटर पे और एक मैं जाहिलू मैं अंगूठा छापू मैं भी 280 कैरेक्टर लिख रहा हूँ और उसमें क्या चीज दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा। तीसरी चीज ये दुनिया के हर मुल्क में उसकी रियासत के जो मफादात हैं उनको भी सामने रख के कवानीन बनते हैं, ये नहीं हो सकता कि किसी कानून के से हटके भी हो जाए। अभी दुबई में बारिशें हुई लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा भाई अगली दफा अगर तुम लोगों ने इस तरह वीडियो बनाई ना इन्वेस्टर भाग गया तो हम तुम्हें जुर्माने लगा देंगे। अमरीका में अभी आप देखें उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया ना। तो इसके माने ये है कि हर रियासत को और उसकी पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि वो अपने कोई भी फैसले करते हैं। सोशल मीडिया चलना चाहिए पनपना चाहिए लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें भी पढ़े लिखे होने का थोड़ा सा बाशऊर होने का सबूत यूजर को भी देना चाहिए जब वो कर रहा है। सही ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल सफदरजी साहब, आपने हमें टाइम दिया और यूथ को ये पैगाम पहुंचाया मैसेज पहुंचाया। आई होप कि हमारी जो जनरेशन है जो जेन जी जनरेशन है वो आपकी बातें सुन के थोड़ा सा मोल्ड होगी और थोड़ा सा इसको अच्छी अच्छे वे में लिखी जाएगी। थैंक यू सो मच। तो जी ये थी हमारी फैसल सब्जवारी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू, और भाई नौजवानों थोड़ा सा ना सीख लो मतलब जब एक जो है बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही बड़े लेवल का बंदा इस तरह की बातें कर रहा होता है ना तो खुद भी हम लोगों को खुद भी फील हो रहा होता है हाँ यार हम कहाँ खड़े हैं। अभी तो हम जो है लाइव गुजार रहे हैं और सब कुछ है लेकिन बाकी जो है उनकी बातें सुन के ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी आता है। तो आई होप थोड़ा सा हमारे ब्लॉग में हमारी ब्लॉग की शोल बस्तियों में आप लोगों को अच्छी बात भी ये थोड़ी सी अच्छी वाली काम की बात भी पसंद आई होगी। गाइस हम आज थोड़ा सा लेट क्या हो गए बेचारी यहीं पे सोई हुई है। हेलो सॉरी जानू आ गई। आज गाइस मैं इतनी बिजी हो गई थी ऑफिस में कि इसको खाना देने आई नहीं, ये बाहर ही सोई पड़ी थी। आज नहीं चीखनी बिल्लियों पे, आज नहीं चीख ली, आज वो ब्लैक वाली मिल भी नहीं रही है जो उसके बीच में असल आती है। अब तुम ये बकवास ही करना है कि फाल चल गए 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 और सुहेल भाई शूट खत्म हो गया आपका? जी जी बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस, फ्लैक्स कर रही अपने 1000 रुपए। हाँ ये 1000 रुपए नहीं दी है सुहेल भाई ने मुझे दिए। क्या जी क्या 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 नहीं भाई मैं आप लोगों को बताऊं फिजा जो है ना मेरी बहुत ही लाडली बहन है, मतलब प्यारी प्यारी सी मेरी लाडली बहन है। खास तौर पर मैं जब भी मैं आऊँ अगर साल में मैं एक दफा भी ऑफिस आता हूँ मेरी एक जो मेरा मेन मकसद है मैं शूट करूँ ना तो मैं फिजा को ये नहीं जरूर देता हूँ।
सुहेल भाई तो मैं भी तो मैं फिजा से ज्यादा छोटी हूँ, आपको पता है? छोटी की बात नहीं, लाडली की बात है। अरे ये क्या बात हुई, ये आपको ऐसी मक्खन इसीलिए लगा दी आपसे पैसे बट उड़ लेता है ये बहुत गलत बात है। वैसे जो छोटे ज्यादा है ना उनको आपको नहीं चाहिए। नहीं लाडले की बात होती है, सब बातों की एक बात लाडले होता है। एक दिन आएगा जब मैं भी सुहेल भाई की लाडली बनूंगी। अच्छा जी, तो ये जो है सेट लगाया हुआ है अभी बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट के लिए, और यहाँ पे गेस्ट भी बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं और होस्ट भी बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं। उनको तो आप देखते ही रहते हैं, उनको तो सब जानते हैं। मिस्टर प्राइज आ गए, इनाम भाई। लोगों को कचरा सुन रहे हैं फरमान भाई, इन लोगों को तमीज़ भी नहीं है, कचरा यहाँ फेंक देते हैं। फरमान भाई हाय हाय कहते हैं इन लोगों को। और सबसे अकेली की मौज हमारे वो खाएं इना मीना डी का सारी क्लासेस लेने गए मैं अभी, मुझे भी जाना है, हमारे मिनट्स होने वाले हैं और मैं साइन इन करने में लगी।